एक बार की बात है जब मार्कंडेय ऋषि एक नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे। ऋषियों में श्रेष्ठ है मार्कंडेय। मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हुआ। आंखें खोलो। हे नारायण भगवान, आपके चरणों में मेरा शत शत प्रणाम। आज आपके दर्शनों से मैं धन्य हो गया प्रभु। हम आपकी भक्ति एवं साधना से प्रसन्न हुए। भक्त मार्कंडेय, बोलो क्या वर चाहिए? हे नाथ, आज आपका मुझे दर्शन हुआ, यही मेरे लिए सबसे बड़ा वर है। किंतु फिर भी हे प्रभु, जिस माया से संपूर्ण जगत मोहित हो रहा है, उस माया को देखने की मेरे दिल में प्रबल इच्छा है। किंतु ये भी विनती है कि आप मुझे अपने चरणों से कभी अलग ना करें। ये कैसी इच्छा कर रहे हैं मार्कंडेय जी? ये माया देखने योग्य नहीं होती, इससे आप बहुत दुखी हो जाओगे, स्वयं को भूल जाओगे। हे भगवान, जब आपके चरणों में रहूंगा तो मुझे किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप तो मुझे माया से निकाल ही लेंगे प्रभु। ठीक है ऋषिवर, आपके इस हट के कारण हम आपकी ये इच्छा पूरी कर देते हैं। आप माया देखने के लिए तैयार हो जाइए। किंतु भगवान, मैंने तो आपका पूजन किया ही नहीं। आप एक पल रुकिए, मैं अभी चंदन घिसकर आपका पूजन करता हूं। इस प्रकार नारायण भगवान की माया से मोहित होकर मार्कंडेय जी स्वयं को एक स्त्री के रूप में नदी में बहते हुए देखने लगे। Yeah!
तुम कौन हो और तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? तुम नदी में कैसे गिरी? कहीं तुम्हें किसी ने धकेल तो नहीं दिया? इसी हाथ से पहले यहां कभी भी देखा नहीं, ना जाने कौन है और कहां से आई है। कुछ कहती क्यों नहीं? कौन हो तुम? तुम्हारा गांव कौन सा है? किस परिवार से हो? मुझे कुछ याद नहीं कि मैं कौन हूँ। मुझे ये भी नहीं पता कि मैं कहां से आई हूँ और मेरा घर कहां है। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हें अपने बारे में कुछ भी नहीं पता? मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई, किस परिवार या किस गांव की हूँ। मुझ पे भरोसा कीजिए। कहीं तुम किसी दुर्घटना का शिकार तो नहीं हुई हो? हो सकता है, लेकिन मुझे वो भी याद नहीं। ओ, तो फिर अब कहाँ जाओगी तुम? जहाँ मेरा भाग्य ले जाएगा। मुझे तो कोई ठाव ठिकाना भी नहीं पता। लगता है परमात्मा ने इसे मेरे लिए भेजा है। यदि ये मेरे साथ विवाह करने के लिए राजी हो जाए तो मेरा भाग्य ही खुल जाए। अगर तुम बुरा न मानो तो एक बात मैं कहना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे विवाह करना पसंद करोगी? ये आदमी देखने में तो दयालु और सच्चा मालूम पड़ता है और मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं है, इसलिए इसे परमात्मा की इच्छा मानकर स्वीकार कर लेना ही उचित है। Thank you.
और इस प्रकार विवाह होने के बाद कुछ दिन तक दोनों के बीच में बहुत प्रेम बना रहा। किंतु जब एक एक करके दोनों के चार बच्चे हो गए, तब उनके जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियां आने लगी, जिसके कारण दोनों में आए दिन झगड़ा होने लगा। और एक दिन झगड़ा इतना बढ़ गया से पूरा दिन परेशान करके रखा है। हे भगवान, जब से बच्चे हो गए तब से मेरी जिंदगी नर्क बन गई है। ना ही तो चैन से बैठने देते हैं, ना ही सोने देते हैं। समझ में नहीं आता, करूं तो क्या करूं। आज घाट पर खाना लेकर क्यों नहीं आई? इन चार बच्चों से फुर्सत मिले तब आऊं ना घाट पर। कभी ये रोता है, कभी ये रोता है, कभी खिलौने मांगते हैं तो कभी खाना, कभी आपस में झगड़ा करते रहते हैं। सारा समय इन बच्चों के पीछे निकल जाता है। अच्छा बहाना मिल गया है तुझे काम नहीं करने का। अरे काम में हाथ तो बटाती नहीं, कम से कम समय पर खाना तो पहुँचा दिया जाए। मुझे बहाने बनाने की क्या जरूरत है? आप तो सारा दिन घाट पर जाकर बैठे रहते हो और ये बच्चे पूरा दिन मेरा सर खाते रहते हैं। अब आप ही बताओ कि मैं करूं तो क्या करूं? बस बहुत हो गया, अब जबान मत लड़ा। अरे जब से तुझसे शादी हुई है मेरा जीवन नर्क बन गया। हर समय मेरे पीछे पड़ी रहती है, कभी ये सामान लाओ, कभी वो सामान लाओ। तंग आ गया हूँ तुझसे मैं। तो क्या मैं अपने लिए सब कुछ मांगती हूँ? ये बच्चे तुम्हारे लिए, एक तो बच्चों की समस्या और दूसरे आप, जो मुझे चैन से जीने ही नहीं देते। खबरदार, एक शब्द भी आगे कहा ना तो जुबान खींच लूंगा मैं। अच्छा हाथ तो लगा के दिखाओ। जाने किस मनहूस घड़ी में मैंने इस बेरहम आदमी का हाथ थामा था। ना इससे मेरी कोई परवाह है, ना ही मेरे दुख से इसे कुछ लेना देना है। ऐसे दुख भरी जिंदगी जीने से तो मर जाना अच्छा है। मैं इसी समय मर जाऊंगी, फांसी लगा लूंगी।
मार्कंडेय जी तो थोड़ी सी माया में ही डूब गए। अब उन्हें माया के अंदर जाकर पहचान करानी होगी, तभी उनकी माया देखने की इच्छा पूरी हो पाएगी। भिक्षाम देही। साधु को भी इसी समय आना था, अब क्या करूं? पहले इसे भिक्षा देकर विदा करना होगा। लीजिए और जाइए। किंतु देवी, हमारा नियम है कि हम कथा सुनाए बिना भिक्षा ग्रहण नहीं करते हैं, इसलिए आपको मुझसे मार्कंडेय ऋषि की कथा सुननी होगी। देखिए, इतना समय नहीं है मेरे पास, कृपा करके आप जाइए। किंतु देवी, यदि आप कथा नहीं सुनेंगी तो मैं अपने नियम के अनुसार भूखा रह जाऊंगा, और कथा सुनेंगी तो आपको भी पुण्य लाभ होगा और आपका दुख दूर हो जाएगा। ठीक है, आइए और कथा सुनाइए। आइए। हे देवी, बहुत समय पहले की बात है, मार्कंडेय नाम के एक ऋषि थे जिन्होंने लंबे समय तक घोर तपस्या की। इसके फलस्वरूप भगवान नारायण ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया और उनसे वर मांगने को कहा। तब उन्होंने कहा कि मुझे माया का स्वरूप दिखाइए, किंतु अपने चरणों से भी दूर न करें। तब मार्कंडेय जी नारायण भगवान का पूजन करने के लिए चंदन घिसने लगे। इतने में नारायण भगवान ने उन पर माया का आवरण डाल दिया। वे स्वयं को एक स्त्री के रूप में नदी में बहते हुए देखने लगे और फिर एक धोबी से उनका विवाह हो गया। ये तो मेरी ही कहानी सुना रहे हैं। और जब वो माया से दुखी हो गई, तब स्वयं नारायण भगवान उन्हें माया से निकालने साधु का रूप धारण करके आए। हे प्रभु, जिस माया से संपूर्ण जगत मोहित हो रहा है, उस माया को देखने की मेरे दिल में प्रबल इच्छा है। ये कैसी इच्छा कर रहे हैं मार्कंडेय जी? ये माया देखने योग्य नहीं होती, इससे आप बहुत दुखी हो जाओगे। जिस माया को हठ सहित की देखन की चाह, मिला उसी से कष्ट भी और पाई मुक्ति की राह।
मार्कंडे जी को हुआ निज गलती का भान। जानो भिक्षुक है स्वयं श्री नारायण भगवान, नारायण भगवान। हे प्रभु, मुझे इस माया से निकालिए। मुझे पहचान हो गई है कि मैं ही मार्कंडेय ऋषि हूँ और आप नारायण भगवान हैं। मेरी ही बत्ती मारी गई थी कि मैंने माया देखने की हट की। अब कृपा कर मुझे इस माया से मुक्त कर दीजिए प्रभु, मुक्त कर दीजिए। कहो ऋषिवर, क्या माया देखने की और इच्छा है? नहीं प्रभु, आज के बाद मैं कभी भी माया देखने की इच्छा नहीं करूंगा।